नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग गृहस्थी जीवन में मायाचारी करना पड़ती है, वो करते भी हैं, तो मायाचारी किस हद तक करना चाहिए? और कहने को आता है कि नारी मायाचारी करती है, महिलाएं, तो क्या पुरुष वर्ग मायाचारी नहीं करते? महाराज जी, यदि पुरुष वर्ग धार्मिक या सामाजिक क्षेत्र में मायाचारी करते हैं तो कौन सी मायाचारी उनकी श्रेणी में आएगी? देखिए, मायाचारी अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन दो तरह की मायाचारी, एक व्यवस्थागत और एक दुर्भावनागत। आप लोगों के पास बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं जिसे आपको छुपाना पड़ता है जी। ये एक प्रक्रियागत व्यवस्था है, इसके तहत करना ही पड़ता है। जैसे आपने एक पक्षी को दाना चुगते देखा होगा, तो दाना चुगते हुए भी इधर उधर देखता है, चौकन्ना रहता है, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मुझ पर अटैक तो नहीं कर रहा, भय भी रहता है। यह उनके स्वभावगत स्थिति है, क्योंकि वो उनकी मर्यादा है। ऐसे ही महिलाओं में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पर्याय की दृष्टि से उन्हें छिपाना पड़ता है, वो उनकी स्वाभाविक परिणति। तो ये क्षम्य है, वो मायाचारी करते नहीं है, करना पड़ता है। करना पड़े कोई बाधा नहीं, करो तो बहुत खतरा है। दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी को छलने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए, अपने किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए औरों का अहित करते हुए मायाचारी करना महापाप है, और त्रियंच पर्याय यानी पशु पर्याय का कारण। अब सवाल एक बार मुझसे कहा कि महाराज, स्त्रियों में मायाचारी बहुत होती है। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, स्त्रियों में मायाचारी होती है, पर चाल सोबराज और नटवर लाल पुरुषों में ही हुआ है, स्त्रियों में नहीं हुआ। इसलिए स्त्रियों को मायाचारी की पर्याय बोलकर कोसना अच्छी बात नहीं है, और इस संदर्भ को देखकर ये समझना कि सारी मायाचारी स्त्रियों में होती, पुरुष बिल्कुल दूध के धुले हैं, तो ये ठीक नहीं। एक बार जब मुझसे किसी ने कहा तो हमने कहा, देख बाबा, स्त्रियों में मायाचारी स्वभाव है और पुरुषों में मायाचारी विभाव है, स्वभाव से विभाव ज़्यादा खतरनाक होता है, इसलिए बच के रहना, विभाव से बचो। हालांकि ये एक दुर्बलता है, और ऐसी दुर्बलता किसी में भी हो, चाहे वो स्त्री में हो या पुरुष में हो, जो भी इस प्रकार के विकारों से ग्रसित होगा वो अपना अहित करेगा, अपना नुकसान करेगा, और न केवल अपना अपितु अपने संपर्क में रहने वाले औरों का भी अहित और नुकसान कर सकता है। इसलिए इससे बचना चाहिए। दोष और दुर्बलताएं कैसी भी हो, हमें पूरी तरह से उनसे दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।